सो माई फिश इज रेडी। अबे उयो के तिसे तो के बाको। अबे हमारा कपड़ा धुलाई भी चल रहा है। आज तो खिच्ची खिच्ची थी मुला। नाउ आदू इज हैविंग विद एडी। ये बचपन से गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल संजनाज नेस्ट। नमस्ते। मैं एक हाथ से इसलिए नमस्ते कर रही हूँ क्योंकि मेरा दूसरा हाथ में कैमरा है। नमस्ते एंड यस गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो लाइक मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया बिकॉज यहाँ पे गई इतनी बारिश 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 इतना हो रहा है ना, जिसकी वजह से ना मतलब बहुत ठंड जैसा वेदर हो चुका है। ये देखिए नो फैन नथिंग, हमें बिल्कुल फैन वैन चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। इस बार कुछ ज्यादा ही हो गई बारिश, तो इसलिए मैं वीडियो बना ही नहीं पा रही थी बिकॉज आधे को स्कूल लेके जा रहे आ रहे, बारिश बारिश बारिश। वैसे तो हम मतलब ठीक है, मतलब भीगते नहीं है, बट फिर भी मतलब मुझे होता है ना कि क्या बारिश में वो मूड भी नहीं रहता, इसलिए नहीं बना रही थी। एंड एक बार बताती हूँ आपको, आज मैंने क्या किया। मैंने सोचा, मैंने देखा कि मोस्टली जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं ना, वो बैक कैमरा से शूट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। तो आज मैंने यही ट्राई किया। अभी मैं सुबह 6 बजे से मैंने 2-3 वीडियो शूट किए, लेकिन मैंने बैक कैमरा से किया। एंड गाइस बिलीव मी, एक भी रिकॉर्डिंग नहीं हुआ क्योंकि मैं ऑन ही करना भूल जाती और बैक कैमरा से बोली जा रही बोली जा रही बोली जा रही। फाइनली मैंने सोचा चलो मैं फ्रंट से ही कर लेती हूँ, शायद मुझे नहीं आता है, तो फिर मैं ये फ्रंट कैमरा से ही कर रही हूँ। एंड यस, तो वही जो मैं बारिश के बारे में बोल रही थी, इतनी बारिश हो रही है गाइस, इतनी बारिश। कैलिंगपोंग सिक्किम ये ऑलमोस्ट कट ऑफ हो चुका है हमारे यहाँ से, क्योंकि इतना लैंडस्लाइड कि मतलब वो रास्ता ही ना पूरा बह बह के चला गया एंड रास्ता है ही नहीं। और दूसरी चीज, दार्जिलिंग थोड़ा सेफ था अभी तक, दार्जिलिंग कर्चोंग वगैरह, बट परसों से दार्जिलिंग कर्चोंग में भी बहुत बुरा हाल है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, वो भी ऐसे जगहों पे लैंडस्लाइड हो रहा है जहाँ हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो मिट्टी गीली हो जाती है। इस पहाड़ देखने में अच्छा लगता है, कभी कभी जाने में अच्छा लगता है, बट जब बारिश होती है ना बहुत रिस्की होता है। सो आई रिक्वेस्ट एनी बडी फ्रॉम इंडिया अब्रॉड एंड हु इज ट्राइंग टू कम एंड विजिट कैलिंगपोंग दार्जिलिंग सिक्किम वगैरह मेरे क्या कहते हैं इसको कर्शियोंग वगैरह, गाइस अभी मत आना, आप लोग फंस जाओगे। रोड्स बंद हैं, इस टाइम तो आप घूम भी नहीं सकते, बट स्टिल वी हैव सीन सो मेनी टूरिस्ट आर गोइंग देयर। ये वो अपनी लाइफ को खतरे में ना डालो गाइस, आप लोगों को आइडिया भी नहीं होगा जब वो लैंडस्लाइड आता है तो आपको कहाँ भागना है क्या करना है, बिकॉज वो पहाड़ ना खिसकता जाता है, फिर साइड साइड पे खिसकता जाता है, ऐसे वो बहुत रिस्की हो जाता है गाइस। डोंट कम, प्लीज सेफ स्टे सेफ एट योर होम ओनली, डोंट कम हियर राइट नाउ। अभी थोड़ा टाइम बाद ही आना ठीक है, जब बारिश खत्म हो जाए। यस, तो यही था। कपड़े नहीं सूख रहे, देखो ऐसे सुखा रहे हैं हम कपड़े, ये परसों के धोए हुए, परसों फ्राइडे के धोए हुए, अब इसको प्रेस से ठीक करना पड़ेगा। हमें आदत नहीं है ना, हमें वो धूप की आदत है कि धूप में सुखा के कड़क जर्म्स मरे हुए कपड़े पहनने के, बट अब शांत है, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है तो वही है। जैसे दार्जिलिंग में ना एक जगह है जिसे कहते हैं रॉक गार्डन, काफी पॉपुलर है, जितने भी टूरिस्ट, नॉट ओनली फॉर द टूरिस्ट, इवन लोकल पीपल जाते हैं वहां पे घूमने के लिए। इट्स लाइक अ पार्क सॉर्ट ऑफ, लाइक इट्स अ गार्डन, रॉक गार्डन। तो वहां पे एक झरना था गाइस, वो झरना इतना भयंकर हो रखा है ना, मेरे पास वीडियो तो नहीं है बट मेरे पास कुछ पिक्चर्स है कल के, मैं हो सके तो मैं पक्का डाल के डाल दूंगी कि क्या हाल है। इतना खतरनाक हो रखा है, तो वही वही सब चल रहा है। फिर भी मैं भी काफी टाइम से वीडियो नहीं बनाती, तो आई ट्राई कि अब मैं थोड़ा सा, अगर रेगुलर नॉट ऑन अ डेली बेसिस बट एक एक दिन छोड़ के मैं कोशिश करूंगी और रील्स भी थोड़ा डालूंगी। थोड़े दिन से मैं लिटरली मतलब हो गया होगा हफ्ता मैंने नहीं डाला, वीडियोज भी नहीं डाले, मैंने रील्स भी नहीं डाले। सो यस आई विल। एंड वन मोर थिंग, जो मैंने ना वो ऑयल लगाया था, आप लोगों ने देखा था आदिवासी हेयर ऑयल, उसका भी मुझे रिव्यू देना था,
मैं रेगुलर नहीं लगा रही, मैं दो दो तीन तीन दिन छोड़ के मैंने हफ्ते हफ्ते में एक बार ऐसे करके लगाए, तो इससे थोड़ा सा आई एम टेकिंग टाइम। सो दूंगी एक दो हफ्ते और रुक जाए उसके बाद उसको। आपको असली किसी को सूट करता है किसी को सूट नहीं करता, जरूरी नहीं है कि हर बंदे को सूट करे, और सूट ना करे तो वो ओरिजिनल नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो आई विल गिव यू रिव्यू कि मेरा अच्छा रहा कि बुरा रहा, सो आई डेफिनेटली टेल यू। वेट फॉर फ्यू मोर डेज फॉर दैट। So, my baby is awake. What happened, baby? See here. I'm recording after so long. Hey, mosquito. Hey, mosquito, go away. Look at. Good morning. Good morning, okay. Uncle. I guess. The speaker. Is that a speaker? Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Hey, he's coming to disturb मी बीबी का हेयर ऐसा है जैसे हेयर कलर किया है। टर्न दिस साइड, टर्न दिस साइड। मी बीबी की हेयर को देख के लगता है कि उसको हेयर कलर कराया है। व्हाट ब्यूटीफुल कलर यू हैव बेबी, व्हाट ब्यूटीफुल हेयर कलर यू हैव। मामा मामा हेयर कलर करा दो। तुम लोग ऑलरेडी हेयर कलर कर जिससे शबा वो पापा आपने आज तो मामा हेयर कलर कर दिया छोई ना हेयर कलर। मामा के हेयर कलर तो कोई गॉड जो मेरे बाबू लोग गॉड देखता हूँ ना गॉड दिनू। ओके विच कलर यू वांट? ब्लैक। ब्लैक ओके। यस फाइनली टुडे इज अ सनी डे। काफी गर्मी है अचानक से इसलिए लोग बीमार पड़ते हैं, एक दिन ठंडा एक दिन गर्म। तो हम जा रहे हैं आदि को स्कूल छोड़ने। माई बेबी इज हियर। हाय वेयर आर यू गोइंग? शी इज सेइंग टोनी लैंड लुक एट द डॉग देयर। दिस इज पुंजी पैडियो गोल्डन रिट्रीवर बट वाइट में है, इतना प्यारा है ना। चलो वेल सी यू इन स्कूल। सो टुडे आदि एंड मम्मा इज आदि मम्मा एंड पापा इज गोइंग इन के मजा दे सामी तो नहीं लेंगे ज्यादा से के मजा दे सर टोटो। सो वी आर गोइंग इन अ टोटो टुडे बिकॉज़ आई लव टू ट्रैवल बाय टोटो। यस तो हमने आज जॉइन कर लिया। यस गर्मी है आज, मतलब कुछ कर नहीं सकते, ऐसा ही है वेदर। तो गर्मी ठंडा होता ही रहेगा। थोड़ा सब्जी वब्जी भी लेना है हमें बिकॉज सब्जी है नहीं, तो हम पहले बाजार जाएंगे सब्जी लेंगे फिर घर जाएंगे। सब्जी अभी कर गाइस ऐसा दिखता है, अगर हाट ना हो तो ये मार्केट पूरा खाली होता है। कल है हाट आज नहीं है तो आज पूरा कर। ए चेरी रही तो कैसे चेरी भैया अमीन ओला या नील तोरा ठूला खाल के ग्रेप्स पनि आएछ भैयाकोमा छैन होला नि त चेरी भैया चेरी नै आया नै है ना फिर खट्टा होगा ना थोड़ा अभी। चलो कोई नहीं ड्रैगन फ्रूट भी नहीं आया नाशपति ऐसा। हाँ मैंगो तो बहुत ज्यादा ही खा रहा है। सो पूरा खाली होता है। देखो टुडे इज मंडे असी यहाँ अलग महंगो हो अरे Thank you.
ये रहा ये सारा। भैया ये कहाँ का मछली है? तो सुंदर दिखता है कातुल। हाँ ये कातुल, ये रुई नहीं, कहाँ का है? कहाँ का, कहाँ का? बिहार का है कि यही का है कि कहाँ का है? वही तो 5 रुपए छोड़ दो भैया। सो आवर शॉपिंग इज डन, हमने फाइनली मछली खरीद लिया बिकॉज अब क्या ही खरीद लिया सब्जी तो कल के लिए, बिकॉज कल हाट है ही। तो यस वी आर गोइंग होम नाउ। एक खोरसा नहीं चाहिए मेरी मिर्च कैसे? 30 10 का दो ना, झाल होगा ना। ये देखो गाइस, अभी सुबह सुबह हम जब निकले थे इतना धूप, इतना सनी, अच्छा सा वेदर हो रहा था। अभी बस हम वापस आए आधु को छोड़ के 9 बजे एंड जस्ट 9:30 हुए होंगे, तो फिर बारिश के लिए फिर तैयार हो गया वेदर। कालू हाउ आर यू? बहुगन 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 बहु बहुगन डाउन ए डाउन 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 कंप्लीट डाउन सिट 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 बेबी, कमांड मानना छोड़ दिया। सिट डाउन डाउन डाउन, बेइज्जती कर रही है ये मेरी। चलो अब खाना बनाती हूँ। हैविंग टी एंड अब मैं भी चाय बनाऊंगी। शुभांडी को भी टीवी देखना बहुत पसंद है, तो हम देख रहे हैं स्टोरेज फाइट। तो भाई अब मैं भी खाना बनते फिर मैं ना ओ की करे मतलब वो लोग ना, हाँ वो लोग क्या करते हैं एरकम ना शटर होता है वहाँ पे, ठीक है शटर मतलब वो पूरा ऐसे होता है, तो सब लोग आता है वहाँ पे, सब लोग आके वो के किनते लागे, उनको खरीदना पड़ता है। जैसे 1 लाख का शटर, 5 लाख का, ये शटर नहीं खरीद रहा, शटर में जो सामान है वो खरीद रहा है। अब उसका किस्मत है कि उसको क्या मिलेगा, मतलब उस दिन तो ना वो $400 मतलब कितना होता है, $400 होगा हमारा 32,000 का एक खरीदा था और उसको उसमें सिर्फ पैसा ही मिला अंदर, पैसा वो पुराना जमाने का पैसा, चांदी का सामान, अरे और उसका तो ज्यादा वैल्यू है, वो तो बेची बेची करे किने लोग, मतलब वो म्यूजियम वगैरह में रखता है ना। चांदी का सामान जो मिला ना शुमा, मतलब हाँ भाग्य, मतलब ज्यादातर इसका भाग्य भाले ही रहता है। इसका बहुत अच्छा वो होता है। तो हम बात कर रहे हैं, मैं शुमा को बता रही हूँ कि ये जो स्टोरेज फाइट होता है ना, ये जो मेनली पहले डिस्कवरी पे आता था, बट वही हम मैं बहुत देखती थी, मैं एडी भी देखता है काफी, तो वही मैं शुमा को समझा रही थी कि वो कैसे और क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग होता है, मजा आता है देखने में। देखती हूँ मेरा खाना बन गया है, मतलब पक रहा है तो देखती हूँ। सो माई फिश इज रेडी, अब थोड़ी देर और उबाल के फिर मैं इसको बंद कर दूंगी और उसके बाद सिर्फ चावल बनाऊंगी। यहाँ पे हमारा कपड़ा धुलाई भी चल रहा है, एक चादर था और थोड़े से आदू के तो कपड़े बहुत होते हैं हमेशा ही, तो वही धोना होता है मेनली, तो वो धो रहे और होने ही वाला है। अभी हमारे पास 45 मिनट्स है, तो ये और 15 मिनट में धुल ही चुका है, बस इसको अब स्पिन करना है, क्योंकि देखो गंदा पानी आना बंद हो गया। एक दो बार और बाल्टी से पानी डाल, मतलब एक दो बार और इसको खंगालना पड़ेगा, एक बार स्पिन करके हो गया। बैक ऑन ड्यूटी, गोइंग टू पिक आदू। गैस जैसे अब हम निकलने, बारिश होने वाली थी बट जैसे अब हम निकलने वाले, फिर से देख लीजिए फिर सनी हो गया। ऐसे अच्छा बारिश नहीं हो रही है बट जैसे हम निकलने वाले होते हैं ना, धूप निकल आती है, फिर हम वापस आ जाएंगे ना, फिर यही हाल होने वाला है। मैं आपको ना हमारा नारियल दिखाती हूँ कितना हुआ है। ये रहा, दो तो हमने तोड़ लिए थे जब ये सफाई। अभी ओयो के तिसे तो के बाको दूध जोड़े को की क्यों? हाँ लगे देखो तोड़ना पड़ जाए ये ना गाइस, यहाँ से छोटे दिखते बच्चे, तो इसको तोड़ते नहीं, बहुत बड़े बड़े हैं।
दूर से थोड़ा छोटा दिखता है। सो वी आर गोइंग। सो फाइनली वी हैव रीच्ड स्कूल। बस इसकी तो कमी ही नहीं है यहाँ पे, पूरी तरह दिखा नहीं सकते बिकॉज वो स्कूल का थोड़ा सा नॉट अलाउड होता है। सो यस वी आर अबाउट टू रीच द गेट। वैन्स वगैरह हैं, जो स्कूल वैन्स वगैरह हैं सारे कि वो उठाओ। हेलो, अरे आज हम लोग लेट हो गए, हम लोग बस फंसे हुए हैं यहाँ पे। आप कहाँ हो? ये लॉ लग जाएगा हम लोग को और 15 मिनट। अरे वो ट्रेन की वजह से लॉ। ये देखो मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। आज तो खिच्ची खिच्ची क्या बोला। ये देखो दोनों मेरे लिए, ये देखो हमारे लिए वेट कर रहे हैं। सच्ची में रिकॉर्डिंग हो रहा है, सच्ची में रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं मजाक नहीं कर रही। ओह अपनी आउन हुआ हो ये देखो गाइस, ये मेरे दोस्त है। आज मैं फाइनली दिखाई देती हूँ। शी इज यांकी, शी इज ऋषिका एंड शी इज मोना। आई लव दैट। चलो हम थोड़ी देर गप्पे मारेंगे, कम से कम आधा घंटा, फिर उसके बाद सारे बच्चे लेके निकल जाएंगे। हम घर पहुंच गए। आधु ने अनड्रेस भी कर लिया। हे वेयर आर यू गोइंग? मेरा चावल बन रहा है और एडी इज वॉशिंग आधु का स्कूल बैग। और मैं आधु को ना आम भेजती हूँ बिकॉज उसको बहुत पसंद है, तो वो उससे पूरा होता है ना, वो उसके शर्ट में हैंकी का, मैं आपको दिखाती हूँ हैंकी का क्या हाल है। वो पूरे हैंकी से पोंछती है। ये देखो पूरा मैंगो मैंगो बना के आई है। यस बेबी, तो पूरा येलो बना के लाइए। अब इसको भी धोना है। यस कांचा, व्हाट हैपन? पूरे प्ले मोड पे आज आदु। व्हाट हैपन बेबी बॉय, यू सिटिंग? लुक गा कम, यहाँ गरम छ बाबा, भित्र हैन। कम, व्हाट आर यू ईटिंग? ए कम कम कम। So this is Adu's lunch time. Okay. No, Baba Chiro. Eddie is also having lunch. Adu is also having lunch. Yo, anda, hello. Khane? Inani le? After this, kaha dudh chine dinu? Raju tamhe chori le? Tiffin khai raha hai? Lo, aunus aunus, baat kar lo aunus. Good baby. आज के लेखनु सिखा रे, आतले देखो तो आज स्कूल में के लेखनु सिखा रे, आतले देखो छिटो, आतले देखो ना, आतले शो मी ना, शो मी। यस जी, देखो कहां बैठती है आज, देखो। व्हाट इफ यू फॉल बेबी? हां व्हाट इफ यू फॉल? आज ही फॉल आई डोंट नो। गाड़ी चलाबे ना, तिमी अगाडि लड्छौ। देख्ने भई सिधा साधा है मेरा बच्चा, बदमाशी तो छुपा रुस्तम बदमाश है। सुसु, बस अब खाना खत्म होने वाला है तो उसको सुसु आ गया। नाउ आदु इज हैविंग विद एडी। ये बचपन से ऐसे ही खाती थी, अब थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था कि वो अलग बैठ के खाती थी, बट आज क्या मोस्टली बैठ ही जाती है अपना खा के। अपना तो छोड़ दिया थोड़ा सा, है ना, उसको पापा के साथ खाना है। इज इट स्पाइसी? व्हाट इज स्पाइसी? पापा
पीरो भयो रे हो पापालाई तिमी खाऊ ग्लास भी पापालाई चाहिए अब